एक तरफ है Xiaomi Mi A1 का सक्सेसर Mi A2, दूसरी तरफ है Note 5 Pro का सक्सेसर Note 6 Pro। एक तरफ है स्टॉक एंड्रॉइड, दूसरी तरफ है MIUI। एक तरफ है Snapdragon 660, दूसरी तरफ है Snapdragon 636। बट आज हम बात करेंगे कैमरा के बारे में। Xiaomi Mi A2 में मिलेगा डुअल रियर कैमरे का सेटअप, प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, सेकेंडरी 20 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ। दूसरी तरफ Redmi Note 6 Pro में प्राइमरी सेंसर है 12 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर। रियर कैमरे की मैं बात करूं एंड सेकेंडरी मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मिलेगा डुअल LED फ्लैश। रियर कैमरे में नोट 6 प्रो में आपको AI भी मिलेगा, इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों स्मार्टफोन में अवेलेबल है। गाइज Mi A2 में आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 1080p वीडियोस आप 30fps एंड 60fps दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ Note 6 Pro में 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते एंड 1080p के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा 30fps का ऑप्शन, नो 60fps। एंड गाइज टाइम लैप्स एंड स्लोमो आप दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइज Note 6 Pro में हमें डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, प्राइमरी है 20 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ एंड सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर विद f2.2 अपर्चर। एंड Mi A2 में सिंगल सेल्फी शूटर मिलता है 20 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ। गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्रंट शूटर से 1080p 30fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। गाइस मैंने दोनों स्मार्टफोन से कुछ सेल्फीज, कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किया है जो मैं आपको दिखाऊंगा साइड बाय साइड एंड आप जज करना कि कौन सा कैमरा ज्यादा इंप्रेसिव है। आप मेगापिक्सल को भूल जाइए। गाइस नोट 5 प्रो में यूज कर चुका हूं एंड नोट 6 प्रो में आपको 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा डेप्थ सेंसर मिलता है सेल्फी शूटर में, बट मैं Mi A2 के कैमरे से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि मुझे इसका एज डिटेक्शन ज़्यादा बेहतर लगा एंड क्लैरिटी भी ज़्यादा दिखी Mi A2 के रिजल्ट में। कलर टोन दोनों में डिफरेंट है इसे भूल जाइए, बट क्लैरिटी Mi A2 का बेहतर है एंड स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन भी मुझे लगा। रिजल्ट काफ़ी सिमिलर है, इवन रियर कैमरे से ले गए शॉट्स भी आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा क्लैरिटी एंड एज डिटेक्शन बेहतर है Mi A2 का। रिजल्ट आपके सामने है। गैस रियर कैमरे से लिया गया पोर्ट्रेट शॉट भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा Mi A2 का, बट मेरे लिए मॉडल बनने को कोई तैयार नहीं हुआ इसलिए मैं ज़्यादा इमेजेस ले नहीं पाया। स्टिल इस इमेज में Mi A2 बेहतर लग रहा है। गैस पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात हो रही तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में एज डिटेक्शन में नोट 6 प्रो ने कमाल कर दिया। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। गैस ये पेड़ मेरा सब्जेक्ट है, उसके पीछे हैं पत्ते, उसके पीछे है बैकग्राउंड जहाँ कुछ पेड़ एंड बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ इस इमेज में आपको तीन लेयर्स दिख रहे होंगे, पेड़ देन पत्ते देन बैकग्राउंड, और तीनों का डेप्थ जो है कितने अच्छे से मेजर किया है नोट 6 प्रो ने आप देख सकते हो इस इमेज में। और दूसरी तरफ Mi A2 का रिजल्ट आपके सामने है, कितना कन्फ्यूज है Mi A2, बिल्कुल मेरी तरह। गाइस इस इमेज में भी मैंने Mi A2 पे कई बार टैप किया सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए, बट रिजल्ट आपके सामने है। नोट 6 प्रो में मुझे बस एक बार टैप करना पड़ा। एंड यहाँ आप हैंड रेल्स पे देख सकते हो दोनों साइड में नोट 6 प्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Mi A2 में आप देखो हैंड रेल्स आपको थोड़े से ब्लर्ड लगेंगे, एजेस जो है इसके अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुए, प्रॉब्लम है इस इमेज में। मैंने पहले ही कहा था Mi A2 में कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पे इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रेगुलर शॉट्स। गाइस Mi A2 में आपको 12 प्लस 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जबकि नोट 6 प्रो में 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का, लेकिन रिजल्ट दोनों में काफ़ी सिमिलर है। इवन जूम करने के बाद भी डिटेल्स वगैरह दोनों में काफ़ी आपको सिमिलर दिखेंगे, बस एक प्रॉब्लम है। मैंने नोट 6 प्रो का AI मोड यूज़ नहीं किया, आपको पहले बता दूँ। स्टिल नोट 6 प्रो का रिजल्ट जो है इम्प्रेसिव है, बट Mi A2 का मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, ज़्यादा बेहतर डायनेमिक रेंज। गाइस नोट 6 प्रो में एक प्रॉब्लम है, ब्राइट कंडीशन है बिल्कुल, जहाँ बहुत तेज़ धूप है वहाँ थोड़ा सा इमेजेस जो है ओवर एक्सपोज लगता है, बट गाइस जहाँ पे बहुत तेज़ रोशनी ना हो वहाँ नोट 6 प्रो का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा इंप्रेसिव है। Mi A2 के इमेजेस में आपको थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिलेगा एंड 6 प्रो में थोड़ा कोल्ड।
गाइस इस लैंडस्केप शॉट में भी आप देख सकते हो दोनों ने ही काफ़ी अच्छा डिटेल कैप्चर किया है, और मी ए टू में आपको थोड़ा सा वार्म टोन दिख रहा होगा एंड नोट 6 प्रो में थोड़ा सा कोल्ड, मैंने पहले ही बताया था। और जूम करने के बाद भी आप दोनों में काफ़ी डिटेल देख सकते हो। एंड गाइस एक चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले, जूम करने के बाद आप इस बिल्डिंग पे देखो नोट 6 प्रो में जहाँ बहुत तेज़ रोशनी पड़ी, यहाँ थोड़ा सा ओवर एक्सपोज लगता है इमेज, यानी कलर इतने अच्छे नहीं आए बिल्डिंग के। दूसरी तरफ मी ए टू में बिल्डिंग का जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छे से आया है एंड इमेज में क्लैरिटी भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी नोट 6 प्रो में एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता, वाइट बैलेंस थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं है। गाइस मुझे लगता है एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है नोट 6 प्रो को। स्लोमो एंड टाइम लैप्स दोनों में आप इंजॉय कर सकते हो एंड इमेज स्टेबलाइजेशन भी दोनों में अवेलेबल है। गाइस Xiaomi Mi A2 में 1080p 60fps एंड 4K वीडियोस में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, ये केवल आपको मिलेगा 1080p 30fps में। ये है 60fps, 1080p 60fps। अब देख सकते हो वीडियो जो है रिजल्ट कितना शेकी है, और ये है 1080p 30fps Xiaomi Mi A2 का। अब मैं आपको दिखाऊंगा नोट 6 प्रो का 1080p 30fps इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। गाइस आपको किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा, किसका सेल्फी शूटर, किसका पोर्ट्रेट शॉट्स, किसका एज डिटेक्शन ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव लगा, ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, एंड देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।